सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी, वहीं शाम 4 बजे लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। वहीं इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें, इस बैठक में औद्योगिक विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण और पर्यटन समेत कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा 100 नए शहरों को विकसित करने के लिए योजना और आवंटित होने वाली धनराशि संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। लोक निर्माण, विकास कार्यों पर, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दों पर आज प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की लोकभवन में बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ेंगे। गौरव, आज 4 बजे शाम के लोकभवन में योगी कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ अहम प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, अहम बैठक है क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी सरकार की तमाम नीतियों को बेहतर करने के लिए बैठकों का दौर चलता रहता है। और लोकभवन में शाम को 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो जानकारी मिल रही है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश के बेसिक माध्यमिक और शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर जो शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती होती है, वो भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग यहाँ पर बनाने जाने की व्यवस्था की जाने वाली है। और इसी आयोग के माध्यम से यहाँ पर आने वाले समय में जो भी भर्ती होगी, जो भी कर्मचारी रखे जाएंगे स्कूलों में, वो इसी माध्यम से होंगे, चाहे वो बेसिक की बात करें, चाहे माध्यमिक शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ जो TET है या पॉलिटेक्निक है या मदरसे हैं या संस्कृत स्कूल हैं, इन सभी व्यवस्थाओं के चलते यहाँ पर जो भी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, जो भी यहाँ पर कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से होगी और यही आयोग इस भर्तियों को अंजाम देगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल नंदिनी है। और इससे आने वाले समय में जो समाज तमाम के आरोप लगते रहते हैं, जो पेपर लीक के मामले होते रहते हैं, तमाम तरह की जो बातें होती हैं, विपक्ष लगाता रहता है कि सरकार परीक्षाएं सुनियोजित ढंग से नहीं करा पाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियों में कहा जाता है कि भर्तियों में गलत तरीके से भर्ती कर ली जाती हैं, उन तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ अलग करते हुए, उन तमाम व्यवस्थाओं के लिए बेहतर तरीके से नीति बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर जो चयन आयोग की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। वो आने वाले समय में इसका बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे नंदिनी। इसका अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास के अलावा, ऊर्जा के अलावा, पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर बेहतर करने के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा होगी और उम्मीद की जा सकती है कि लगभग 12 से 15 प्रस्तावों पर यहाँ मॉल लगेगी, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो और चाहे पर्यटन क्षेत्र की। अगर औद्योगिक विकास की बात करें तो आपको बता दूँ, अभी हाल में ही G20 समिट हुई है, यहाँ पर GIS हुई है, यहाँ पर ग्लोबल समिट के माध्यम से 33 लाख करोड़ का लक्ष्य को सरकार ने कहा था कि हमने पा लिया है। अब इस लक्ष्य को धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसको लेकर भी तमाम तरह की यहाँ पर नीति बनाई जाने वाली है। कैसे बेहतर होगी, 100 शहरों को जो है विकसित करने के लिए आवंटित धनराशि को मंजूरी मिल सकती है, 100 शहरों को जो है विकसित करने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर 100 शहरों को विकसित करने के लिए मंजूरी मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नंदिनी यह है कि जो हमारे शहर हैं, स्मार्ट सिटी योजना होती है, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उसके लिए यहाँ पर बातें की जाती है, नीति बनाई जाती है, पर धरातल पर भी इसको कैसे विकसित किया जाए, कूड़ा प्रबंधन कैसे किया जाए, लाइटिंग की व्यवस्था कैसे की जाए, सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, पार्कों को कैसे बेहतर किया जाए, सड़कों को कैसे बेहतर किया जाए, पेयजल की व्यवस्था को कैसे किया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, जो तमाम पॉइंट है उनको पर्यटन की स्थिति में कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम जो मामले हैं, जो तमाम प्रस्ताव हैं, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि अगर कोई स्मार्ट शहर बनाना है, 100 शहरों को विकसित करना है देश में, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको व्यवस्था ऐसी लागू करनी पड़ेगी, एक नीति बनानी पड़ेगी, समीक्षात्मक नीति यहाँ पर होनी चाहिए जिससे इस तरह के कामों को अंजाम दे सके। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को आज मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बुधवार की शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। पद्म विभूषण पुरस्कार लेने के लिए नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पद्म विभूषण पुरस्कार कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पद्म विभूषण पुरस्कार लेने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे। दिवंगत मुलायम सिंह यादव को बुधवार को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि आज दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेने के लिए उनके बेटे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी बहू डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। आज शाम 5 बजे ये कार्यक्रम किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देश के पूर्व रक्षा मंत्री को आज पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जी नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और समाजवादी चिंतक स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह को आज देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाएगा। आपको बताएं कि पद्म विभूषण सम्मान मुलायम सिंह जी को दिया जा रहा है। आज देश की महामहिम राष्ट्रपति आज दिल्ली में इस पुरस्कार को उनके पुत्र और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों सौंपेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ये पुरस्कार लेने देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके साथ मैनपुरी से सांसद और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। आपको बताएं कि मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री और साथ ही साथ समाजवादी नेता के तौर पर देश में एक अलग पहचान अपनी बनाए हुए हैं और बात करें तो उनको मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। आपको बताएं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को अगर उनके राजनीतिक इतिहास को देखें तो एक पहलवान से और देश के मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया था और बात करें तो पहलवानी की जो आंकड़ा होता है उसमें जो धोबिया पछाड़ लगाते हुए नजर आए, ठीक वैसे ही राजनीति में भी धोबिया पछाड़ लगाते हुए नजर आए। आपको बताएं कि उनके तमाम जो कार्य हैं उसको देखते हुए उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च पद से सम्मानित किया जा रहा है। आज बात करें तो 106 लोगों का आज सम्मानित किया जाना है, जिसमें अगर बात करें तो 9 पद्म भूषण, साथ ही साथ 6 पद्म विभूषण और 91 पद्मश्री सम्मान इसमें है टोटल। अगर बात करें तो 106 लोगों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक सूची जारी हुई थी जिसमें 106 लोगों की नामों का ऐलान हुआ था, जिसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव को देश का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इसको लेकर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ जो तमाम नेताजी के चाहने वाले हैं इससे कहीं ना कहीं वो प्रसन्न हैं और उनकी जो आशा अपेक्षा थी कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए इसकी भी मांग कहीं ना कहीं अब तेजी से बढ़ चुकी है। नंदनी जी, विभांशु, देखा जाए तो दिवंगत पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के लिए ये बहुत ही बड़ा सम्मान है, तो इसको समाजवादी पार्टी में कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अगर देखे तो मुलायम सिंह के पद चिन्हों पर चलकर और कहीं ना कहीं आगे की जो राजनीति है वो करने का प्रयास कर रही है। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ, जब उनकी अंत्येष्टि हुई, उस वक्त अगर बात करें तो उनके पुत्र अखिलेश यादव जब अपना पहला संबोधन देते हैं तो साफ तौर से ये बात को कहते नजर आते हैं कि मैं अपने पिता के बताए हुए मार्गों पर चलूंगा। अगर बात की जाए नेताजी मुलायम सिंह जी के तमाम राजनीतिक उनके जो पे काम करके वो कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाए, तो उसमें बात करें तो जब वो देश के रक्षा मंत्री थे तो सियाचिन के बॉर्डर पर नंगे पैर चलते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं सेना का हौसला उस समय समय पर बढ़ाते हुए नजर आए थे। साथ ही अगर बात करें तो वो जब देश के रक्षा मंत्री का जिम्मा संभाले उस वक्त सेना के जो जवान थे उनकी महज टोपी और बेल्ट, जब वो शहीद होते थे तो शहीदों के घर बस महज टोपी और बेल्ट जाता था। उसके ठीक बाद जब रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह जी ने अपने कार्य की शुरुआत की, उसके बाद शहीदों को सम्मान पूर्वक उनके पार्थिव शरीर को
घर तक पहुंचाने का व्यवस्था किया। साथ ही साथ अगर बात करें तो देश में सामाजिक न्याय या समाजवादी चिंतक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाए और उनके देश के तमाम जगहों पर उनके तमाम जो उपलब्धियां हैं, जो उनके तमाम कार्य हैं, उसको देखते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खां के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं अब्दुल्ला आजम की सदस्यता को लेकर सुनवाई होगी। दोषी ठहराए जाने के बाद विधायकी रद्द की गई थी। इसके खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम के विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए उन्होंने अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आज अब्दुल्ला आजम की फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उनके विधायक की सदस्यता को लेकर। देखिए नंदनी, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत जो है काफी अरसे से चली आ रही थी, लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल पिछले कुछ सालों की, तो उनकी राजनीतिक विरासत जो है ख़त्म होती देखी जा सकती है। इसके पहले आजम खान की सदस्यता चली गई, वो जेल गए, तमाम आरोपियों वो जेल गए, सजा काट के आए, उनकी सदस्यता चली गई। उसके बाद उनके जो विधायक बेटे हैं वो अब्दुल्ला आजम, उनकी भी सदस्यता जो है 15 साल पुराने जो मामला था उसमें उनको 2 साल की सज़ा मिली और उनकी जो विधायकी है वो रद्द हो गई। उसके बाद उनकी सीट से स्वार सीट से जो है वो चुनावी तिथि का ऐलान भी हो गया। 10 मई को चुनाव होने वाले हैं, 13 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन इस फैसले के खिलाफ जो है वो अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल की तारीख जो है, यानी आज की तारीख जो है, ये सुनवाई के लिए मुकर्र की थी। तो आज अब्दुल्ला आजम के लिए एक बड़ा दिन है और जिस तरीके से आज उनके मामले की सुनवाई होने वाली है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज उनकी राजनीतिक विरासत का भी एक फैसला हो सकता है कि आज उनकी विधायकी रहेगी या रद्द हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो उनकी सीट खाली हुई है विधायकी रद्द होने के बाद, वहां पे चुनावी तिथि का ऐलान हो चुका है, नतीजे 13 मई को आएंगे, लेकिन आज एक आखिरी मौका अब्दुल्ला आजम के पास है। आज सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई करेगा और देखते हैं कि क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय करता है, क्योंकि उनके जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर कह चुका है कि मामला जी बिल्कुल विवेक, देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा, लेकिन उनके वकील ने देखिए वहीं पर कहा था कि जो 15 साल ये मामला हुआ था उसके बाद वो उस टाइम जो थे वो नाबालिग थे। जी मैं यही आपके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 साल पुराना मामला था, उसके बेसिस पे एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी और 2 साल की सजा जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सुनवाई थी। उनके वकील ने उनका पक्ष रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी सजा के खिलाफ कि 15 साल पुराने मामले में वो एक जुनाइल थे और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो केस को जुनाइल के हिसाब से स्टडी करनी चाहिए, न कि एक अडल्ट के हिसाब से। सुनवाई जब हो रही है एमपीएमएलए कोर्ट में तो अब्दुल्ला आजम खान को एक बालिग के रूप में देखा गया और 2 साल की सजा दी गई, लेकिन जब ये मामला था 15 साल पुराना तब वो नाबालिग थे, एक जुनाइल थे, उस बेसिस पे उनको 2 साल की सजा नहीं हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो केस के लिए ज़रूरी हैं, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान ये चीज़ें रखेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है वो देखेगी कि क्या ये मामला पूरा है और उस पर अपनी सुनवाई करेगी। तो आज अब्दुल्ला आजम खान के लिए एक बड़ा दिन है उनकी विधायकी को लेकर और कहीं ना कहीं आजम परिवार के लिए भी एक बड़ा दिन है उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर, राजनीतिक करियर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आजम खान का करियर जो है वो ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी राजनीतिक विरासत के रूप में अब्दुल्ला आजम शुरू से ही बढ़ते नजर आ रहे थे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन अभी उनकी विधायिका जो है वो सदस्यता जो है वो रद्द हो गई है और आज उनके लिए काफ़ी बड़ा दिन है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
लखनऊ में सिटी बस की महिला कंडक्टर से बस सलूकी मामले ने अब तुल पकड़ लिया है, जहां आज सिटी बसों का संचालन ठप कर दिया गया है। 250 में से सिर्फ 14 बसें ही आज रूट पर निकली हैं। चेकिंग अधिकारी खुद कंडक्टर ड्राइवर बनकर बस चला रहे हैं। बता दें कि बुधवार को बस के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए। दुबग्गा डिपो में ड्राइवर कंडक्टर सड़कों पर उतर आए थे, इसके चलते राजधानी में सिटी बस सेवा ठप हो गई। सिटी बस सेवा ठप होने के चलते यात्रियों का काफी दिक्कत हुआ है। किसी का स्कूल छूटा तो कोई टाइम से दफ्तर नहीं पहुंच पाया। दरअसल मंगलवार को महिला कंडक्टर सिटी बस लेकर जा रही थी। रास्ते में चेकिंग के लिए विभाग के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी अनिल तिवारी बस में चढ़े। महिला कंडक्टर ने बताया, आरोप लगाया है कि चेकिंग के दौरान केंद्र प्रभारी ने महिला कंडक्टर से बदतमीजी की, उसे धक्का दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखिए कंडक्टर, महिला कंडक्टर से बस सलूकी के मामले ने बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ लिया है और यातायात ठप हो चुकी है। देखिए नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि सिटी ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है बस का, जो सिटी बसेस चलाई जाती है, उसमें एक मामला कल हुआ था। उसमें एक महिला कंडक्टर बस लेके दुबग्गा डिपो से मोहनलालगंज की तरफ जा रही थी। वहां पर रास्ते में जो चेकिंग दस्ता है सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी का, उसके जो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी है अनिल तिवारी, वो अपने दलबल के साथ में रास्ते में जब बस का चेकिंग करते हैं, उनके मुताबिक ये बताया गया है 3 यात्री बेटिकट उसमें थे जो यात्रा कर रहे थे। इस पर जब उन्होंने कंडक्टर से बात की तो जो कंडक्टर है माधुरी, उनका ये कहना था कि वो जो बस में यात्री चढ़े थे उनको चढ़े हुए मात्र 100 मीटर ही हुआ, 100 मीटर ही चल पाई थी गाड़ी, जब वो थोड़ी देर में टिकट तक पर आया गया। तो कुल मामला मिला जुला के जो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी है उनका कहना यह है कि इस वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और जो माधुरी कंडक्टर है बस की, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि उसके साथ बस सलूकी की गई। जो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हैं अनिल तिवारी, उन्होंने महिला के साथ बस सलूकी की और धक्का दे दिया। तो इसको इसके चलते जो है पूरे आज लखनऊ में करीब 92% जो बसें हैं सिटी बस का, उनका संचालन रोका गया है, यानी हड़ताल पर है जो कर्मी है। और विभाग के जो कर्मी है वो खुद ड्राइवर और कंडक्टर बन के परिवहन जो सेवाएं सिटी बस की वो चौराहों से सेवाएं चला रहे हैं। हालांकि अब सुबह जो ड्यूटी का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, उस समय अगर बात की जाए तो लाखों यात्री सिटी बस में लखनऊ में सफर करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं उन यात्रियों को ऑटो और टेम्पो का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद जो ऑटो टेम्पो वाले थे उन्होंने भी अपना किराया लगभग बढ़ा दिया, जिससे कहीं ना कहीं जनता इसमें परेशान हुई। फिलहाल अभी इसमें उच्च अधिकारी, मैंने कई बार उच्च अधिकारियों को फोन मिलाया, जीएम जो ट्रांसपोर्ट, जीएम जो सिटी बस के हैं उनको फोन मिलाया, लेकिन लगातार उनका सीओजी नंबर उस नहीं रहा है। रितेश, इस पूरे मामले में विभाग की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है? अभी विभाग इसमें कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जो ड्राइवर और कंडक्टर है उन्होंने हड़ताल कर रखी है। 250 बसेस में से 14 बसें संचालित की जा रही है। कुछ रूटों पे अब बसों को चलाया गया है, क्योंकि मामला बढ़ते हुए जब ऊपर लेवल तक मामला पहुंचा है तो इनके पेच भी कसे गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ड्राइवर कंडक्टर अब सिटी बसों को लेकर चल रहे हैं। हालांकि यातायात सामान्य है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं अभी हो रही है, लेकिन सुबह का वक्त अगर देखा जाए तो लगभग 92% गाड़ियां खड़ी थी डिपो पर और वहां के ड्राइवर कंडक्टर उसको गाड़ी को लेकर के निकले नहीं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दैनिक यात्रा करने वाले यात्री थे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि उनको ऑटो टेम्पो का किराया दुगना से नहीं बल्कि 4 गुना किराया भरना पड़ा 4 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए। तो कुल मिला के दो लोगों की लड़ाई में आम जनता पिस रही है और उच्च अधिकारी मौन साधे हुए हैं। हमारी बात, हमने लगातार कई बार सीओजी नंबर पर जीएम सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी के जो जीएम, उनको फोन किया, लेकिन करीब 10 बार फोन मिलाने के बाद भी उनका फोन नहीं पिक किया गया। तो अभी कोई इसी जानकारी खास नहीं मिल पा रही। फिलहाल अभी जो अनिल तिवारी वरिष्ठ केंद्र प्रभारी है उनका कहना है कि 3 यात्री उसमें बेटिकट थे जो कंडक्टर लेकर के जा रही थी, और कंडक्टर का कहना है कि वहां के जो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी है उन्होंने गाड़ी रोका, बस सलूकी की, धक्का दिया, उसके बाद हम लोग इस तरह का हड़ताल कर रहे हैं। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश।
आज के इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।